Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I hope you all are doing good at home. In today's class, I am going to explain you lesson 1, Trust in God and Do the Right of Standard 5th English. Okay? कल हमने previous video में chapter 1 जो poem है इसकी reading करी थी, Trust in God and Do the Right. आज हम इसका explanation देखेंगे, explanation समझेंगे. तो चलिए start करते हैं. लेसन 1, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. इसके ऑथर कौन है, इसके पोइट कौन है? नॉर्मन मैकलियॉड. नॉर्मन मैकलियॉड इसके जो राइटर है, लेखक है, जो कवि है, उनका नाम है नॉर्मन मैकलियॉड. ये एक स्कॉटिश पोइट थे. स्कॉटिश मतलब जो स्कॉटलैंड में रहते हैं, स्कॉटिश पोइट थे. आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. जो भी हमारे राइटर होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए. ओके, आज हम इसमें सिर्फ हम चैप्टर का मीनिंग देख रहे हैं, क्या मीनिंग है. सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है. तो क्या मीनिंग निकलता है इसका, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, विश्वास करना. हमें हमेशा गॉड पर, हमारे भगवान ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा रखते रखते हमें सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए, हमेशा सही काम करना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए. ये तो हो गया इस चैप्टर का मीनिंग, और इसी के बारे में डिटेल में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले दो क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर आपको देना है, फिर मैं आपको बताऊँगी. हु डू यू रिमेंबर वैन यू आर इन डिफ़िकल्टी. आप जब डिफ़िकल्टी में होते हैं, जब परेशानी में, मुसीबत में होते हैं, आप किसको याद करते हैं, बताइए. आप किसको याद करते हैं सबसे पहले, बताइए. गॉड को. वेरी गुड. हम अपने गॉड को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और अपने पेरेंट्स को याद करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे. डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे. क्या आप भगवान से रोज़ प्रेयर करते हो, भगवान की रोज़ प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो उनकी? यस, आप करते हो. तो यस, मुझे लगता है कि आप सभी करते होंगे, भगवान से प्रेयर करते होंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. एक पिक्चर ड्रॉ है, दो बच्चे बने, एक रास्ता बना हुआ है, आसमान है, स्काई है, स्टार्स हैं, अंधेरा दिया हुआ है, रास्ता और एक पथ बना हुआ है, उसी के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे भी. चलिए पढ़ते हैं. करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल. करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल. दो दाए पथ बी डार्क एस नाइट, देयर्स ए स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. इसका मीनिंग क्या निकलता है, करेज मतलब होता है, जैसे बुक में आपको दिया है, द एबिलिटी टू डू समथिंग डेंजरस, कुछ डेंजरस कर दिखाने की काबिलियत, विदाउट शोइंग फियर, बिना डरे, मतलब कि आप बहादुरी से कुछ काम कर रहे हैं, साहस है आपके अंदर, और करेज के साथ, करेज आप कायर नहीं हैं, आप निडर हैं, इस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसको करेज बोलते हैं. ब्रदर भाई, या किसी को डेडिकेट कर रहे हैं कि भाई बहन से बात करना चाह रहे हैं पोएट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल. आपको बहादुरी के साथ, निडरता के साथ आपको उस काम करना है, स्टम्बल नहीं होना है. स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, ठोकर खाना. आपको ठोकर नहीं खाना है, आपको अपने रास्ते पर बढ़ते. इसका मीनिंग यही है कि आपके रास्ते में, आपके पथ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आपको बिना डरे, साहस के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, और सही काम करना है, हमेशा सही चीज़ों को ही चुनना है अपने जीवन में, और उन्हें ही अपने जीवन में उतारना है, बुराइयों से अपने पीछा छुड़ाना है. ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे हैं कि करेज के साथ, निडर होकर आपको अपने रास्ते पर बढ़ना है, स्टम्बल नहीं होना है, ठोकर नहीं खाना है. दो दाय पथ बी डार्क एज नाइट. दो, दो मतलब हालांकि, बल्कि, बट, भले ही. दाय, दाय मतलब होता है जैसे योर, आपका पथ. यहाँ पर इंग्लिश में योर को हम दाय भी लिखते हैं. दो दाय पथ बी डार्क एज नाइट. पथ या पाथ, हिंदी में भी पथ ही बोलते हैं इसको, मतलब कि रास्ता. रास्ता आपका कितना ही डार्क क्यों ना हो, डार्क मतलब अंधेरे भरा क्यों ना हो, एक रात, अंधेरी रात की तरह आपका अगर रास्ता, आपकी राह बहुत अंधेरी भरी है. यहाँ का कहने का मतलब है कि आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब भी आपको निडरता के साथ काम करना है, भले ही आपका रास्ता अंधेरे की तरह ही मुश्किल क्यों ना हो. देयर इज़ ए स्टार, देयर इज़ ए स्टार टू गाइड द हम्बल. हमेशा एक तारा, एक सितारा आसमान में रहेगा जो आपको, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, गाइड करेगा. गाइड द हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र. जब आपको अपने आप पर घमंड ना हो, विनम्रता से किसी के ऊपर, किसी के साथ पेश आते हो,
आपके ऊपर घमंड ना हो, तो देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल, आपको हमेशा वो विनम्रता से काम लेना सिखाएगा। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि गॉड आपके साथ हमेशा है, आपको भले ही कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन आसमान में एक तारा ज़रूर रहेगा, हमेशा कई तारे रहते हैं, एक तारा ऐसा ज़रूर रहेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, जिनकी रोशनी आप तक पहुंचेगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं, भले कितना ही अंधेरा हो, कितनी ही मुश्किल हो, कहीं ना कहीं से आपको उसका सल्यूशन मिल ही जाता है, बस आपको ट्रस्ट किस पर रखना है, गॉड पर। देयर इज़ अ स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है और हमेशा सही की तरफ बढ़ते चलना है, सही काम को करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आएंगे, नेक्स्ट स्टेंजा पर चलिए पढ़ते हैं। लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेयरी एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेयरी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। क्या मीनिंग हुआ इसका, लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेयरी, मान लीजिए या होने दीजिए कि आपका जो रास्ता है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रोड पर, जिस सड़क पर आप जा रहे हैं, वो बहुत रफ़ और ड्रेयरी है। रफ़ यानी रूखी सूखी, या बहुत ही जहाँ पर पत्थर हो, ऐसा रास्ता हो जहाँ आप चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, और ड्रेयरी है। ड्रेयरी का मीनिंग होता है क्या, सुनसान। ड्रेयरी मीन्स डल, ब्लीक एंड डिप्रेसिंग, सुनसान। सुनसान जगह पर चलना बहुत मुश्किल होता है, अगर हम नॉर्मली भी चलते हैं तो हमें बहुत मुश्किल कठिनाई होती है कि हमें कोई साथ में चलने वाला नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम इस मुश्किल भरे रास्ते पर अकेले पड़ गए हैं। तो यहाँ पर इस पोइट उसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके रास्ते बहुत कठिन है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं आपके रास्ते में, आने दीजिए, सुनसान है सड़क। सुनसान कहने का मतलब है आप अपने रास्ते पर अकेले चल रहे हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, होने दीजिए ऐसा, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है। एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, एंड मतलब अंत, फार आउट मतलब बहुत दूरी पर, एक डिस्टेंस पर, साइट मतलब विजन, आप देख नहीं पा रहे हैं, और उस सड़क का जो अंत है, जो किनारा है, जहाँ जो आपकी मंजिल है, वो आपसे बहुत दूर है, आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको अपनी मंजिल दिखाई नहीं दे रही, आप घबरा रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप भले ही घबरा रहे हैं लेकिन आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है। जैसे यहाँ पर एक डार्क नाइट बनी हुई, बच्चे जा रहे हैं, घबरा सकते हैं कि रास्ता कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर है, पर एक स्टार यहाँ पर इनको गाइड कर रहा है हमेशा, ठीक है। इसका वो कहना चाह रहे हैं, आपका उसका जो अंत है वो आपसे बहुत बहुत दूरी पर है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आगे क्या सिखा रहे हैं कवि, पोएट क्या सिखा रहे हैं, फुट इट ब्रेवली, फुट मीन्स कदम, आपके जो कदम हो गए, पैर हो गए, आपको ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स ब्रेव होकर, बहादुरी के साथ आपको अपने कदम बढ़ाने हैं, लाइक ए ब्रेव मैन, बहादुरी के साथ आपको अपने कदम बढ़ाने हैं, स्ट्रांग और वेयरी, या तो आप स्ट्रांग हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, या तो आप वेयरी हो सकते हैं, वेयरी मतलब टायर्ड, थक चुके हैं, आपको थकना नहीं है यहाँ पर, आपको स्ट्रांग बनना है, निडरता के साथ, साहस के साथ, बहादुरी के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और लास्ट लाइन जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, क्या मीनिंग हुआ, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ईश्वर पर, भगवान पर, खुदा पर, ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास करिए, बिलीव करिए, और सही रास्ते पर चलते चले जाइए, सही रास्ते को चुनिए, और हमेशा सही कर्म करिए, ऐसे काम करिए जिससे दूसरों को खुशी मिले, जिससे दूसरों का आप भला कर पाएँ, और अपने गॉड पर विश्वास रखिए कि वो कभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यदि आप ऐसा मानकर चलते तो हमेशा आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते तो आपके साथ हमेशा सभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आप अपनी नेगेटिव सोच रखते हैं तो हो सकता है आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हों। देखिए, हमेशा हमें पॉजिटिव सोच थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहते तो उससे कुछ गलत तो हो नहीं रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है तो बुरा भी आपके साथ कभी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इससे अच्छा हमको अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचिए, कुछ नहीं भी होगा तो आप कुछ बुरा तो होगा नहीं आपके साथ। हमेशा आपको आप कैसे सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पोएट, पूरा मीनिंग देखते हैं। करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल, आपको अपने साथ निडर होकर चलना है, आपको अपने रास्ते पर निडर होकर चलना है, ठोकर खाकर नहीं गिरना, यदि आप ठोकर खाकर गिर जाते हो उससे संभलना है, आपको उससे सीख लेनी कुछ। धो दाय पथ भी डार्क एज नाइट, भले ही आपका पथ, आपका रास्ता एक अंधेरी रात की तरह काला हो, अंधेरा हो, जहाँ
देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल, फिर भी आसमान में एक तारा हमेशा रहेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको विनम्र होकर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको गाइड करेगा। और ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है और हमेशा सही की तरफ बढ़ते चले जाना है। लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेयरी, भले ही आपके रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपकी जो सड़क है, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, आपका जो रास्ता है वो बहुत रफ है, बहुत ख़राब है और सुनसान है, आपको अकेले चलना है। एंड इट्स, होने दीजिए ऐसा, एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, और आपकी जो मंजिल है, आपका जो किनारा है, जो अंत है उसका, वो आपसे बहुत दूरी पर है, आपको उसका दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी मंजिल कहाँ पर है। फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेयरी, आपको कदम अपने बहुत बहादुरी से उठाने हैं, या तो आप ताकतवर बन सकते या तो आप वहाँ थक सकते वेयरी, पर आपको वहाँ थकना नहीं, आपको चलते चले जाना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, आपको ईश्वर पर भरोसा रखकर सही की तरफ बढ़ते चले जाना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो के थ्रू, इस क्लास के थ्रू ये चैप्टर समझ में आएगा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसके जो पोएट है, एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिए कौन है, नॉर्मन मैकलियॉड। इनके बारे में आपको मैं असाइनमेंट देती हूँ, इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 लाइन ज़रूर लिखिएगा, समझिएगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है। नॉर्मन मैकलियॉड, इतना मैं बता देती हूँ, स्कॉटलैंड में रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले स्कॉटिश पोइट ये हैं। ग्लॉसरी मीन्स वर्ड मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं, जिसका मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया, रीडिंग हम कल कर चुके थे। आपको इनका हिंदी मीनिंग देखना है तो मैं एक बार आपको बोलकर बता देती हूँ, आप इसे राइट कर लीजिएगा। करेज मतलब निडरता के साथ, स्टम्बल ठोकर, पथ यानि पथ रास्ता आपका, हम्बल विनम्र, रफ यानि खुरदुरा, ड्रेयरी सुनसान, साइट यानि विजन पावर देखने की शक्ति, द एबिलिटी टू सी, ब्रेवली बहादुरता के साथ, वेयरी थका हुआ, गाइड मार्गदर्शन या मदद जो आपकी करते हैं, ट्रस्ट विश्वास। यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग्स पूरे हुए, ये चैप्टर आई होप आप सभी को पूरा समझ में आया होगा यहाँ, और इसका मीनिंग आपको अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना है। हर पार्ट से हमको, हर लेसन से कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे और हमें हमेशा सही रास्ते को ही चुनना चाहिए। ठीक है, वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टू जॉइन द क्लास, हैव अ नाइस डे।